ऐसी बात नहीं है, आप सब समझाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ समझाना नहीं है, ये चीज़ इतना मतलब कि दुश्मन भी नहीं कहेगा, फैमिली में कब दरार पड़ जाती है, कब क्यों यार ऐसा, मतलब हम लोगों ने ऐसा किया क्या है कि यार सुबह सुबह अभी काजल सारा घर का काम करके खाना वाना बन गया और अभी झाड़ू लगा रहा। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे एंड हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है, कान झंझन आ गया, सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैं जस्ट उठा हूँ। चलिए अभी बहुत सारा काम है। सुबह सुबह अभी काजल सारा घर का काम करके खाना वाना बन गया और अभी झाड़ू लगा रही है काजल। पता नहीं मक्खी कैसे घुस जा रही है अंदर। और मैं जा रहा हूँ आरटीओ ऑफिस में क्योंकि मेरा लाइसेंस जो है आज आज हो जाएगा, मतलब कि एक मंथ हो गया लर्निंग का, तो बस आज होगा, साइन होगा आज आरटीओ ऑफिस में और फ़ोटो खींचेगा, तो फ़ोटो और साइन करके आते हैं और उसके एक सप्ताह बाद पोस्ट ऑफिस द्वारा ओरिजिनल वाला लाइसेंस घर पे आ जाएगा। और उससे पहले हम नेट से भी निकाल सकते हैं बोले थे, जब तक वो आएगा ना तब तक नेट से निकाल के दे दूंगा आपको, उससे भी काम होगा। तो चलिए सारा काम करा के आते हैं। ये मानसी के कपड़े और टॉवल है जो कि उतार लिए हैं अभी। और दोस्तों क्या है ना, कभी पतल ग्लास ये सब अभी ख़रीदना है नाश्ते के लिए, कितना डिब्बा वब्बा होता ना पैकेट वाला, उस तरह खरीदना जिसमें नाश्ता वास्ता पैक होगा। और मेरे को आरटीओ ऑफिस में भी जाना है, तो सोच रहे हैं मम्मी को भी साथ में लेते चले, पता नहीं। तो मम्मी तब तक खरीदेंगी और मैं आऊँगा फिर वहाँ से, तो फिर मम्मी को लेके आऊँगा, है ना बेटा? खाली भैया और माई, भैया और मम्मी जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं जल्दी से, और नहीं तो वहाँ भी टाइम 10:30 का है, लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो अभी दोस्तों हम लोग गोपालगंज में आए थे, आरटीओ वाला काम हो गया है, लेकिन परसों फिर से बुलाए हैं, परसों सुबह 10 बजे तक, क्योंकि अभी जो साइन करा जाता है ना अंदर में वो नहीं थे अभी, और बाकी सारा काम हो गया, बस आके साइन कर देना है परसों। तो यहाँ पे क्या है कि कार्ड अभी छपाई हो रहा है, शादी वाला कार्ड। तो मानसी बेटा इतना सारा सामान खरीदवाई है अभी, और मम्मी भैया सब लोग यहीं पे हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं घर। तो अभी दोस्तों हम लेके आ गए हैं कार्ड, और ये देख सकते हैं कार्ड है। अल्लाह कहाँ है? हेलो मम्मी, देखो चिकन और चाय, ये लोग का चिल्ड पानी भाई हमारा है, में बा प्याज ना लेनी है, कहते बा प्याज हरा मिर्चा और सुखल मिर्चा है, देवा ठीक है। बोलो ए गरम का मसाला क्या बा, ए मेर लो के ना, चिकन मसाला गरम मसाला मंगा, हां तो है में है, कहते बा है ठीक है, जय पी ले हाय लला, आओ कहां से ना पकौड़ी खा लेंगे, ले ले दोस्तों अभी आ गया है कार्ड और लेके आ गए थे, और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा डिजाइन। मम्मी बोल रहे थे कि अलग हम कलर दिए थे, लेकिन ये अलग कलर है, ऐसे बोल रहे थे, झगड़ा भी कितना कलर के लिए। हाँ जी गुलाबी बात। देखना एड्रेस ना लिखा जाए, कथी रही तो अब नो कथी है, वो मम्मी पसंद कर रही है, लेकिन ऐसी हो गई कथी नहीं है, कथी नहीं है, ये कौन कलर है? मेहरून कलर है ना, गुलाबी टाइप का मेहरून नहीं है, मेहरून है कथी। तो ये देखिए कुछ कार्ड है और कुछ है ना, सुना है एड्रेस है, हाय मोड़ के अंदर वा डलाई, ये देखिए जन्नी हैं, अब भाई हैगा मोड़ के अंदर वा डलाई, तो वही तो करे बात, क दिलो आज कहां से कल कहीं और चलो, हां आज सारा कर देंगे। तो ये वाला कार्ड देखिए,
गुड्डू संग रीजू। तो अभी इस टाइम तो कहीं जाना नहीं है, इसलिए ढक दिए गाड़ी को, क्योंकि जितना धूप है ना उससे ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत तगड़ा हवा है, बहुत तगड़ा धूप भी है, इसलिए इधर ढक दिए, अभी धूप वहाँ पे है इसलिए। तो फ्रेंड्स अभी ना आज हमारा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि उसी टाइम से हम लोग मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, क्योंकि इतना नेगेटिव कमेंट आया है, इतना ज़्यादा कि सच कहें तो चेहरे पे मुस्कान है बट अंदर से बहुत दुखी। कदल को देखिए, इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं, इतना तो मतलब कि दुश्मन भी कम मतलब नहीं बोले जलेगा इतना इतना ज़्यादा आज। ऐसा ऐसा कमेंट आया है कि काजल हमेशा मुंह चलाती रहती है, खाती रहती है। तो यार कहीं सफ़र में जाते हैं, भूख लगता है तो खाएंगे नहीं? आपको पता है कि हम लोग घर से खा के ही निकले होंगे या फिर घर पे कब खाए थे, तो भूख लगा, खरीद के कुछ खा भी ली तो उसमें भूख खड़ पता ना क्या क्या और बोला गया है, काजल बदतमीज ये वो। और दूसरी चीज़ ये बोला गया है कि मतलब भाई वैसे ही खाऊंगी दोस्तों जिसको बुरा लगेगा, कि भैया आए थे और भाभी आए थे तो भैया भाभी को पीछे बैठा दिया, आगे तुम लोग बैठ गए। तो अब मेरा तो भाई मैं ही ड्राइविंग करता हूँ तो मेरा तो जाहिर सी बात है बैठना, और भैया भाभी आए थे तो भैया के हाथ में टीवी था बड़ा सा, जो टीवी यहाँ पे लेके आए थे। पहले वो भैया नहीं बैठे थे, हम नहीं बैठे थे तो हम आगे। हाँ पहले भी कहीं जाते थे तो भैया ही आगे बैठ के, जैसे कि उस दिन होली के दिन आए थे तो भैया ही बैठ के आए थे, फिर होली के दिन इधर से गए थे, गए थे यहाँ से तब भी भैया आगे बैठे थे, काजल पीछे बैठी थी, हमेशा जब भी भैया बैठे आगे ही बैठते हैं। लेकिन उस दिन क्या था, टीवी था बड़ा सा तो वो टीवी को गोद में लेके बैठे थे पीछे, तो इसलिए काजल को आगे बैठना पड़ा। तो उसमें भी कौन सी, आप सब देखें सबको, एक जरूरी नहीं होता है कि को आगे बैठा के मैं भैया के साथ बैठ जाती, तब आप लोग जैसे कमेंट जो कर रहे हो। दीदी को आगे बैठा के भैया के साथ बैठ जाती। तो आप सबको जरूरी नहीं है कि हम लोग मुंह से बताएंगे कि इस प्रॉब्लम की वजह से भैया पीछे बैठे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ कोई कैसे बता सकता है कि हर एक चीज़ की, इसलिए हम इतना ही खाए, इसलिए हम दो कौर खाए, इसलिए हम भैया इधर बैठे, इसलिए काजल इधर बैठे। तो वो चीज़ आपको देख के भी सोचना चाहिए कि भाई टीवी है। तो हम बोले थे 10 रुपये का भुजिया खरीदे, 4 लोग खरीद के बांट के खाए, वो तो खाने वाला तो बात अलग है अभी। और काफ़ी कमेंट आ रहा था कि कैसे अकेले खा रही है बैठ के, पीछे भाभी को नहीं दी, भैया को नहीं दी, तो चारों लोग खाए थे। और आप सबको विश्वास नहीं है तो वही वाला वीडियो मेरा देखिएगा, व्लॉग फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर नहीं है ना, नहीं फेसबुक पर छोटा सा बना के डाली थी मैं 1.5 मिनट का। हाँ फेसबुक पे एक क्लिप डाले हैं हम लोग, मैं लिंक फेसबुक का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फेसबुक पर जाना और देखिएगा, क्योंकि कई फेक आईडी भी है हमारा, हमारे नाम से कितने गलत आईडी चलाते हैं लोग, तो उस पर मत जाइएगा आप लोग, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उस पर क्लिक करके जाइएगा। और यहाँ पे मैं फेसबुक का अपना वो लगा दूंगा, यही वाला फ़ोटो होगा मेरे आईडी पे, ठीक है, जो अभी ये दिख रहा है यही हमारा फेसबुक पेज है, इधर साइड में इस साइड में दिख रहा होगा, तो ये वाला फेसबुक पेज है हमारा, तो आप लोग वहाँ जा के देखिएगा, एक वीडियो होगा जहाँ पे, वहाँ पे हम मिनी व्लॉग बनाते हैं काफ़ी अच्छा अच्छा, और ज़्यादातर व्लॉगिंग वहीं पे हर 1-2 घंटे बाद हम जो भी करते हैं सब कुछ दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा हमारा वीडियो आता है वहाँ पे। तो उसी में हम लोग एक क्लिप शूट किए थे 2 मिनट का, जहाँ पे हम लोग सफ़र का वीडियो बनाए थे, तो उस वीडियो में देखना सब लोग खा रहे हैं, सब लोग जो पूजा काजल ने खरीदी थी। तो ऐसा बिना सोचे समझे इतना, और वो भी कमेंट ऐसा आता कि काजल तुमको सोचना चाहिए कि भैया भाभी भी हैं तो उनको भी दे दो, इस तरह से नहीं, काजल कितनी बदतमीज है, कितनी मोटी हो गई है, खा खा कर इतना चपल, इस तरह से उसी कमेंट को, जैसे कि कोई चीज़ अगर आप सबको समझाना चाहिए, आप सब समझाते हैं हमें फैमिली के तरह, तो हम फैमिली समझ के हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सब समझा रहे हैं, लेकिन ये समझाना नहीं हुआ कि आप अगर किसी चीज़ को, अगर हमारा कोई गलती आप सबको नज़र आ रहा है तो उस गलती को ऐसे बनाएंगे, जैसे कि काजल कितनी बदतमीज है, कितनी बेहूदी सी हरकत करती है, कैसे खा रही है, तो और इसी चीज़ को ऐसे समझा सकते हैं, काजल तुम वीडियो में ऐसे बार बार खा के मत दिखाया करो, अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज़ समझाना हो गया। लेकिन ये चीज़ कैसे हुआ यार, एकदम से मतलब मेरे को मोटा मोटी पता ना क्या, तो ऐसी बात नहीं है, आप सब समझाते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ समझाना नहीं है, ये चीज़ इतना मतलब कि दुश्मन भी नहीं कहेगा, जिस तरह से कमेंट में आजकल लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग की वजह से, सारे लोग नहीं,
कुछ लोगों की वजह से ऐसे ऐसे मतलब कि छोटी सी बात को लेके, जैसे आगे पीछे बैठने की बात को लेके इतना ज़्यादा मतलब पूरा वीडियो कमेंट से भरा है कि क्यों आगे बैठ गई। तो उसके पीछे रीजन था ना, टीवी था बहुत बड़ा, तो वो भैया जो अपना टीवी लाए थे मम्मी के पास, मम्मी वाला टीवी ख़राब हो गया था, तो जो टीवी लाए थे तो वो वाला टीवी लेके वो बैठे थे उसमें, कहीं उसका शीशा वसा ना टूट जाए या फिर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, पीछे बैठे थे वो इसलिए। और शाम के टाइम में हम लोग खुद, जैसे कि बाबू सब नहीं आया था ना, सोनू विकास आकाश, तो फिर शाम को टाइम में मैं खुद गया भैया को लेके, और भैया का आना नहीं था यहाँ पे, भैया वहाँ गए थे घर पे भी जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ रहने गए थे। लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं लेके चलो, तो फिर सारे बच्चों को भी लेके उधर से आए रात में। और तो हमेशा आगे ही बैठते हैं, कोई भी जेंट्स जाते हैं तो हमेशा आगे बैठते हैं, काजल पीछे बैठते हैं। उस दिन प्रॉब्लम था, इस वजह से आगे बैठना पड़ा, क्योंकि भाभी को कैसे आगे बैठाया, तो फिर काजल कहाँ जाती, भैया पीछे थे, और भैया को पीछे बैठाया, फिर टीवी इतना बड़ा कौन पकड़ के फिर बैठते हैं। तो ये चीज़ें थी, और भूजा सब लोग खाए थे, ऐसी बात नहीं है, हमारी फैमिली है, हम कैसे मैनेज करके चल रहे हैं सब कुछ, मतलब ऐसे ही लोगों के वजह से ना फैमिली में लड़ाई होती है, ऐसे लोगों की वजह से फैमिली में कब दरार पड़ जाती है, कब कुछ कुछ कमेंट के वजह से। कुछ दिन पहले मम्मी से भी मेरा झगड़ा हुआ था, क्यों यार ऐसा, मतलब हम लोगों ने ऐसा किया क्या है कि यार, कम से कम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और देखिए हर एक आदमी अपनी फैमिली को कैसे चलाता है वो खुद जानता है। अब देखिए फैमिली में सब लोग चला सकते हैं, अपने फैमिली जैसे अपने मर्जी से हम लोग चलाते हैं, उसमें छोटी सी कुछ चीज़ें मिल जाती है, उस चीज़ को ध्यान से लोग नहीं देखते हैं कि हुआ क्या है, बस थोड़ा सा कुछ मुँह में डालो उतना ही तक देखेंगे, बस मुँह में डालो। जैसे कि एक मान चलो हम पूजा कर दें, एक चना मुँह में डाले उतना लोग देख लिए, बस वहीं रोक देंगे वीडियो कमेंट, उसके आगे नहीं देखेंगे उसके बाद कौन खा रहा है, नहीं। तो ऐसा हाल हो गया है, तो प्लीज़ आप सब प्लीज़ ऐसे ना कीजिए, पूरा तो पहले तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, और कुछ अगर गलत हो भी रहा है, कुछ गलत लग भी रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करके अच्छे से समझाइए और बताइए। लेकिन इस तरह की कमेंट्स कि भूखा लोग खा रहे हैं, बेशरम, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये हुआ वो हुआ, भाई हम किसी से बोलने जा रहे हैं कि आप कितने पढ़े हो या फिर तुम कितने पढ़े हो, ऐसा तो किसी से पूछने नहीं जा रहे, हम जितना भी पढ़े हैं उतना में बहुत खुश हैं। लेकिन क्या ही बोले अब, चलिए एक कमेंट आया है मनीषा नेलवाल, ओवर एक्टिंग का दुकान है मोटा, बताओ। कोई बात नहीं, चलिए अगर हम बहुत कंट्रोल करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब खाने पर मेरा इतना ज्यादा कमेंट खाती रहती है तो हम खिलाते हैं ना, अब भूख लगेगा तो खाएगी नहीं, कौन नहीं खाता यार, हम आपके घर में देखने जाते हैं कि आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, ऐसा नहीं है, हम अपनी सोशल लाइफ शेयर कर रहे हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ है अगर हम ब्लॉग के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो जैसे है वैसे दिखा रहे हैं, उस चीज़ में अगर कुछ गलत लगे तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं, लेकिन हमारे लाइफ पे आपका अधिकार नहीं है ना कि आप, मतलब कि हमारे एक होता है कि फैमिली मेंबर्स, अगर घर में फैमिली कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो डांट देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन खाने को लेके इतना ज्यादा बदतमीज, भूखड़ पेटू, मोटा, ये क्या मतलब, पूजा ये करे कर, ये सब मैं खाती रहती हूँ और मैं खाऊंगी, बस कुछ कमेंट के वजह से ऐसा होता है, चेंज नहीं करना चाहती मैं जैसी। अब देखिए पहले काजल इतनी दुबली थी कि मतलब कि खड़ा नहीं हुआ जाता था इससे, अब थोड़ा सा खिला पिला के बेचारे को थोड़ा सा सेहत बनवाया हो तो इसमें क्या करें। अभी आप लोग प्लीज हमसे जुड़े रहिए, गलत मत समझिए, और हमारी जो, जैसे कि आप सब हमसे कुछ भी शेयर करते हैं वैसे हम भी आपसे शेयर करते हैं, आप सबको जो गलत लगता है वो समझाते हैं, लेकिन ये कमेंट अलग था इसलिए हमने रिप्लाई किया। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखते हैं, और हम भी आपको फैमिली मानते हैं इसलिए आपका बातों से हर्ट होता है तो हम भी नाराज़गी जताते हैं, ठीक है, तो इस पर कोई गलत नहीं मानिएगा, बाकी अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। चलिए इसी के साथ अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।